सुप्रभात बच्चों, आज अपन यहाँ पर हिंदी वसंत का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। दादी माँ, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और ठीक पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूसरे ही सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अदगली घासें घेरे हुए और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में मैं खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। अषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत्र के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़ कर रहा था, दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर यानी बुखार, यानी थोड़ा थोड़ा बुखार हो, सर में साधारण सा दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। बच्चों, इस कहानी से मैंने आपको यहाँ 3 प्रश्न दिए हैं। इन 3 प्रश्नों का उत्तर देने का थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, ठीक है ना बच्चों? धन्यवाद।